चुनावी आंकड़े, सबसे सही और सटीक विश्लेषण, हर प्रदेश पर पैनी नजर, नेताजी डॉट न्यूज। राजा रजवाड़ों की नगरी, राज घरानों का गढ़। जी हां, हम बात कर रहे हैं इसी राजस्थान की। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018, किसके सर सजेगा हुकूमत का ताज, कौन बैठेगा विपक्ष की गद्दी पर, क्या बनेगी मिली जुली सरकार, या फिर कौन सी पार्टी को मिलेगा प्रचंड बहुमत। राजस्थान एक ऐसा राज्य जिसका राजनीतिक गणित शुरुआत से ही अन्य राज्यों से बेहद अलग रहा। कांग्रेस पार्टी के मोहनलाल सुखाड़िया ने राजस्थान पर सबसे लंबे वक्त तक राज किया और 17 वर्षों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहे। फिर बारी आई जनता पार्टी की, जिसने भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में पहली बार राजस्थान में गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। समय बीतता गया और आगे चलकर यही जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तित हो गई। सन 1985 से राजस्थान में सत्ता परिवर्तन की राजनीति ने जन्म लिया। सन 1985 में कांग्रेस के हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बने। फिर सन 1990 में भाजपा के भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने। फिर सन 1998 में कांग्रेस की ओर से अशोक गहलोत पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री चुनकर आए। सन 2003 में भाजपा की वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी। सन 2008 में फिर कांग्रेस के अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने और फिर 2013 में भाजपा की वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी और अब बारी है सन 2018 की। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं विधानसभा चुनाव 2013 के परिणामों पर। सन 2013 में भाजपा का मत प्रतिशत था 45.5% और सीटें थी 163 विधानसभा सीटें, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत था 33.3% और सीटें थी 21 विधानसभा सीटें। बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी को 3.5% मतों के साथ 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी, तो वहीं एनपीईपी यानी नेशनल पीपल्स पार्टी को 4.25% मतों के साथ 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। बात करें एनयूजेडपी, जो कि गौड़ जमींदारों की पार्टी है, इसे तकरीबन 1.01% मतों के साथ 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी और अन्य के खाते में गई थी 7 विधानसभा सीटें। तो ये थे सन 2013 विधानसभा चुनाव और राजस्थान के परिणाम। बात करते हैं कुछ विधानसभा उपचुनावों की। लोकसभा चुनाव 2014 में भाजपा विधायक सांवरलाल जाट, ओम बिड़ला, संतोष अहलावत और बहादुर सिंह कोहली के विजयी होकर संसद पहुंचने के बाद 4 विधानसभा सीटें रिक्त हुई थी, जिन पर उपचुनाव के लिए 13 सितंबर के दिन मतदान कराया गया था। बड़ी बात यह सामने आई कि इन 4 सीटों में से भाजपा मात्र 1 सीट पर जीत हासिल कर पाई, जबकि कांग्रेस ने 3 विधानसभा सीटों पर विजय प्राप्त की। कांग्रेस उम्मीदवारों ने वेर, सूरजगढ़ और नसीराबाद विधानसभा सीटों पर जीत का परचम लहराया, मगर कांग्रेस की इस जीत का सिलसिला यहीं पर थमकर नहीं रह गया। कांग्रेस ने कुछ स्थानीय चुनाव में भी जीत हासिल की और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह क्षेत्र झालरापाटन में एक स्थानीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की। चलिए अब सीधे रुख करते हैं हमारे द्वारा किए गए विश्लेषण की ओर कि अगर आज की तारीख में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो जाए तो कौन सी पार्टी को मिल सकता है बहुमत और कौन सी पार्टी बैठ सकती है विपक्ष की गद्दी पर। इस पर हमने किया है राजनीतिक विश्लेषण। आइए नजर डालते हैं हमारे विश्लेषण के आंकड़ों पर। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। अगर आज की तारीख में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत हो सकता है 40-42% और सीटें हो सकती है 93-95 विधानसभा सीटें, मतलब मौजूदा आंकड़ा जो कि 163 का है उससे 68 सीटें भारतीय जनता पार्टी को कम मिलने की संभावनाएं हैं। बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत हो सकता है 39-41% और विधानसभा सीटें हो सकती है 90-93 सीटें, मतलब मौजूदा आंकड़ा जो 21 विधानसभा सीटों का था उससे 72 विधानसभा सीटें ज्यादा। बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी का मत प्रतिशत हो सकता है 2-3% और सीटें हो सकती है 2-3 विधानसभा सीटें। वहीं नेशनल पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो एनपीपी का मत प्रतिशत हो सकता है 4-5% और सीटें हो सकती है 3-4 विधानसभा सीटें। वहीं एनयूजेडपी, जो कि गौड़ जमींदारों की पार्टी है, उसका मत प्रतिशत हो सकता है तकरीबन 1-2% और सीटें हो सकती है 3 विधानसभा सीटें और अन्य के खाते में जा सकती है 2-9 विधानसभा सीटें। मतलब ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भाजपा की सीटें राजस्थान में फिलहाल कम होने की संभावनाएं हैं, तो वहीं कांग्रेस की सीटें बढ़ने की संभावना है। मगर उसके बावजूद हमारे इस विश्लेषण में तकरीबन 2-3 सीटों की बढ़त भाजपा ने बना रखी है।